थे बड़े खुश, रक्षाबंधन थोड़ी बोलते, ऐसे बोलते ब्राखी लगाने आ रहे, ब्राखी लगाने आ रहे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम क्या कर रहे हैं अम्मा? मैट की सफाई कर रहे हैं और धूल धूल हो चुकी है, मुझे तो नींद ही आ रही है, पर मम्मा बोल रहे करो, इसलिए करो, मम्मा ने बोला है करो तो करो। हाँ जी क्यों कर रहे हैं आप सफाई? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये गंदी होगी, इसलिए कर सफाई। इतनी धूप में आप सो भी सकते हैं, पर आप सफाई क्यों कर रहे हैं? सो के तो उठ के कितना सो रहा है, मैं क्या करते हैं, कुछ ऐसे सो के थोड़ी रहना बेटा। चलो ठीक है, करते हैं फिर। ये है गाइस हमारी मैट्स गाइस, और ये है दोस्तों हमारा झाड़ू। पहले तिरपाल बिछाया, तिरपाल के ऊपर मैट है, ऐसे सोचो ये चौड़ी मैट ही है ना। हाँ, करते थोड़ी फिर। तो गाइस आज रक्षाबंधन भी है, पर रक्षाबंधन है 9 बजे के बाद, शाम के 9 बजे के बाद। पता नहीं क्या चक्कर है मम्मा, क्या चक्कर है पता नहीं। पंडित जी बोलते आज 9 बजे के बाद कल तक है रक्षाबंधन, वैसे तो आज है रक्षाबंधन। प्याले होते थे छोटे से, बोलते पंडित जी आते थे राखी, हम होते बड़े खुश, रक्षाबंधन थोड़े बोलते ब्राखी लगाने आ रहे, ब्राखी लगाने आ रहे। ब्राखड़ी बोलते राखी को अपनी भाषा, अपनी भाषा में बोलते थे ना। पंडित जी आते थे तब लगाते थे सारे गांव में, सबके पास घर घर पंडित जी लगाते थे पहले राखी। हाँ, ऐसी होती थी ओम वाली जैसी, उसमें होती थी ऐसे छोटे छोटे फूल जैसे ना, जब गिल्ले हो जाते थे उसे लगता था रंग लगता था सारे हाथ। हाँ, और बच्चे ऐसे खुश होते थे, आ जाए पंडित जी, बोले नहाना पड़ता ना, आखिर गाँव पड़ता नहाना, सुबह उठना। अब होती राखी, राखी अब कुछ अब तो बोलो टाइम लिमिट भी होगी सेट है, टाइम लिमिट भी होगी। अब सोचते थे सुबह जाएंगे, सुबह कहाँ से आए 9 बजे के बाद, अब कहाँ जाना। आप भी पार जा रहे थे मामू के घर? जा तो रही थी मैं, अब कहाँ जाना 9 बजे के बाद है, फिर कल आपको भी जाना पड़ेगा। बारिश के दिन तो भी तो रे भैया, गर्मी के दिन आए हो रे, साथ में मैट साफ करने के दिन भी आए हो। मम्मा इतनी धूप में कहाँ लगे है, छोड़ो परे, चलते अंदर को है। चलते बाबे, क्या थोड़ा तो था, पता नहीं कब से लेकर उस टाइम लगी छत के चक्कर में, ये मैट ऐसे जाड़ तुमने मारा था, इसमें धूप में थी थोड़ी देर सुखाने को, मैं कहा थोड़ी देर सुखाते, ज़्यादा नहीं सुखानी पड़ती ना। अच्छा, वरना कलर फेड होता है। कलर फेड हो जाता है, वैसे इसका जो नीचे होता ना कुछ लगा वो भी निकल जाता है। ये दोस्त हमारा खतरनाक नेपाली दोस्तों। हाँ जी, अच्छा हाथ नीचे, हाथ नीचे, अम्मा क्यों है हमारा नेपाली ऐसा, ये पूछना चाहती है हमारी जनता। ये इसका कुछ ऐसे शायद दिमाग थोड़ा बेचारे का, हाँ दिमाग से थोड़ा भगवान डिस्टर्ब है, डिस्टर्ब्ड है बेचारा, डिस्टर्ब। तो दोस्तों ये पता क्या करता है ना, मतलब जैसे हम कहीं होंगे ना, तो पता नहीं वास्तु दोष है क्या, पंडित है हमारा नेपाली ना, तो वो बोलता है इधर जाओ उधर जाओ, उसके बाद इधर आओ, उसके बाद फोन ऐसे उठाओ, उसके बाद ऐसा करो वैसा करो, फिर जाके बस हो गया। फिर जाके बोलता है नमस्ते जी धन्यवाद, अब जाओ अपना, अब जाओ अपना काम करो। चलो अपनी डिस्टर्बेंस शुरू होती है ना, क्या ही कर सकते हैं। हाँ जी, चले अब। ओके चले अब, थक गए, हो गया आपका काम, हो गया, अब थोड़ा अंदर झाड़ू साफ सफाई करती हूँ, चले चलो उसके बाद लंच करो। क्या बोल रहा आपका नेपाली, आपको इधर मुड़ो ऐसे करो वैसे करो है। ये तो अभी जैसे स्कूल में करवाते थे ना वो पीटी वगैरह, इधर मुड़ आगे मुड़ पीछे मुड़, ये बोलता था इधर को मुड़ो इधर को मुड़ो इधर जाओ।